हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक होंगे। ऑफ कोर्स ठीक होंगे सर, हमेशा ठीक ही रहना है, खुश रहना है। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ बच्चे लोग स्टडी को लेके एटलीस्ट बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल देना किधर अटक रहे हो जीवन में, कि सर मुझे CS करना था तो CS में मैं यहाँ पे अटक रहा हूँ। मैं हमेशा मेरे हिसाब से जितना बेस्ट एडवाइस होता है उतना मैं देने की ट्राई करता हूँ। बट सर्टेन टाइम्स ऐसा हो जाता है कि आई नो कि सर्टेन टाइम ऐसा हो जाता है कि मेरा इतना बिजी स्केड्यूल है तो मैं नहीं दे पाता, तो उसके लिए उतना बुरा नहीं मानना है आपको कि हाँ ठीक है भाई, मैं भी बिजी हो सकता हूँ क्योंकि मेरे भी अदर्स असाइनमेंट एंड अदर्स वर्क्स, आई एम ऑल्सो कंपनी सेक्रेटरी, तो मैं कोई कंपनी में काम कर रहा हूँ तो मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि कभी कभी मैं जानबूझ के नहीं करता हूँ, इग्नोर नहीं मारता हूँ, बट हाँ छूट जाता है। ठीक है, तो वो अंडरस्टैंडिंग रखना है कि हाँ भाई हिरेन सर पूरा दिन तो फ्री नहीं रहेगी हम लोग के लिए, बट हाँ अगर जब भी मैसेज दिखेंगे तभी मेरा रिप्लाई ज़रूर देंगे, तो वो मैं हमेशा देता भी हूँ, ऐसा भी नहीं कि नहीं देता हूँ। ठीक है, टाइम लगता है कभी कभी कि भाई 48 साल में रिप्लाई नहीं मिलता, बिकॉज मेरा टारगेट ये होता है कि 48 साल में मेरे बच्चों को जवाब पहुंच जाए, बट अगर 48 साल में नहीं मिल रहा है तो वो उसको वीक में मिल ही जाता है जवाब कहाँ ना कहाँ से। यस, या तो आइदर इन फॉर्म ऑफ वीडियोस, आइदर इन फॉर्म ऑफ जहाँ से मैसेज दिया उसे इंस्टा डायरेक्ट हो गया, टेलीग्राम पे तो नहीं बट हाँ इंस्टा डायरेक्ट हो गया, मतलब कमेंट्स हो गई यूट्यूब पे, तो वो मैं हमेशा क्या करता हूँ ट्राई करते रहता हूँ। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी मुझे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ बच्चे लोग फॉलो कर लीजिए टेलीग्राम पे भी, बिकॉज टेलीग्राम चैनल पे भी मैं बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे अपडेट्स डालते रहता हूँ, तो वहाँ पे भी फॉलो करना ज़रूरी है। CS हिरेन गेडिया नाम का ही मेरा चैनल है वहाँ पे भी, और हाँ ऑफकोर्स यूट्यूब पे तो आप फॉलो कर ही रहे हो। थैंक यू सो मच वन सेकेंड, एंड हाँ शेयर कर दीजिए अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल में। उम्मीद कर रहा हूँ इस बार एक लाख तक बच्चे तक पहुँचना है मुझे, तो उधर तक तो पहुँचा दो प्लीज़ मुझे, एटलीस्ट वहाँ तक पहुँचा दोगे तो आपका बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग्स हो सकता है, क्योंकि जो मेहनत मैं कर रहा हूँ आपके लिए तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई हिरेन सर इतना फ्री में पढ़ा रहे तो ये बेनिफिट सबको मिलना ज़रूरी है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 4। ऑलरेडी 3 chapters सर, 3 chapters विथ एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुका हूँ, 3 chapters विथ एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुका हूँ। तो जिन बच्चों ने वो वीडियोज़ को नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो ज़रूर ज़रूर देखिए। लास्ट ईयर मैंने SP नहीं पढ़ाया था बिकॉज मेरे पास टाइम की शॉर्टेज थी। इस साल मैं तुम लोग को स्टार्टिंग ही फर्स्ट चैप्टर्स मतलब डे वन से ही मैंने मई में ही चालू कर दिया कि इसको SP को। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन, चैप्टर्स नंबर 4, इश्यू ऑफ डिबेंचर। लास्ट वाला चैप्टर्स जो पढ़ा था अपन ने इश्यू ऑफ शेयर्स पे पढ़ा था, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स था। इश्यू ऑफ डिबेंचर इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स बोल सकते हो, काइंड ऑफ मतलब एक क्वेश्चन तो आता ही है, मतलब 5 से 8 mark का वेटेज तो है इस चैप्टर्स में भी। ठीक है, चैप्टर्स बहुत छोटा सा है बट हाँ ध्यान रखना क्योंकि डिबेंचर है, ऑफकोर्स नाम में लिखा है डिबेंचर इज काइंड ऑफ लोन। डिबेंचर क्या है? एक लोन है, वो भी कौन सी लोन है? लॉन्ग टर्म लोन है। अगर कंपनी को बिजनेस आपको अपन ने ऑलरेडी सेकंड चैप्टर में पढ़ लिया है कि कंपनी के पास 2 options होते हैं, या तो ओन कैपिटल से या तो बोरोड कैपिटल से, तो बोरोड कैपिटल के अंदर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस होता है जो होता है डिबेंचर। ठीक है, थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे ये वाले पार्ट्स के अंदर और क्या क्या प्रोविजंस है, बिकॉज यहाँ पे जो मेन चैप्टर्स का जो फोकस किया है इन डिटेल उन लोग ने प्रोविजंस को लेके किया, बाकी अदरवाइज डिबेंचर पे थोड़ा कंसेप्ट हो आपने, डिबेंचर के फीचर्स अपन ने सेकंड चैप्टर्स में तो पढ़ लिया, और आगे बढ़ेंगे डिबेंचर के बारे में। इंट्रोडक्शन के साथ शुरुआत करता हूँ, डाउट हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल देना। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन पार्ट टुडे। कंपनीज प्रीफर इश्यू डिबेंचर टू रेज अ फंड एज दे कैन बी रिपेड आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड, मतलब एक लॉन्ग टर्म के लिए अगर लोन लेना है तो डिबेंचर इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन बोल सकते हो। अ कंपनी कैन मेक अ पब्लिक इश्यू ऑफ डिबेंचर ओनली इफ, यहाँ पे ध्यान से सुनो, कंपनी कैन मेक द पब्लिक इश्यू ओनली इफ, मतलब एक टर्म्स एंड कंडीशन है वो ध्यान में रखना है। क्या टर्म्स एंड कंडीशन है? द कंपनी और इट्स प्रमोटर और इट्स डायरेक्टर हैव नॉट बीन प्रोहिबिटेड फ्रॉम असेसिंग द सिक्योरिटी मार्केट बाय सेबी, मतलब ना तो कोई उसका प्रमोटर वो कंपनी का, सपोज की फॉर एग्जाम्पल XYZ कंपनी डिबेंचर देना चाहती है तो उसमें से सपोज की फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स है, तो मिस्टर एक्स पे कोई सपोज की फॉर एग्जाम्पल सेबी की कोई कार्यवाही चल रही है या तो उसके कोई प्रमोटर पे कुछ चल रहा है केस, तो वो कंपनी दे नहीं सकती। सेकेंड, अ कंपनी और इट्स प्रमोटर और इट्स डायरेक्टर हैव नॉट बीन डिक्लेयर एज अ विलफुल डिफॉल्टर और हैज नॉट डिफॉल्टेड इन अ रीपेइंग द और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट और एनी डेब्ट ऑफ सिक्योरिटी
फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ. मतलब सपोज कि फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, वो डिबेंचर इशू करना चाहती थी, बट उन्होंने पहले जो डिबेंचर लिया था ना उसमें से मोर देन वो डिबेंचर होल्डर को मोर देन 6 महीने से इंटरेस्ट दिया ही नहीं, या तो मतलब इनडायरेक्टली बोलने जाओ तो डिफॉल्ट किया. कितने महीने के लिए? 6 महीना और मोर देन 6 महीना, तो वो कंपनी भी डिबेंचर उठा सकती नहीं है. देखो क्या बोला है, अ कंपनी कैन मेक अ पब्लिक ऑफर ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर ओनली इफ, अगर ये केस नहीं किए हुआ है तो ही क्या कर सकती है, डिबेंचर के फॉर्म में पैसा दे सकती है, अदरवाइज दे सकती नहीं है. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट वेरियस रेगुलेशन और प्रोविजन रिलेटेड टू द इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड द प्रोसीजर फॉर इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर. ये वाले चैप्टर्स के अंदर अपन वेरियस प्रोविजन पढ़ेंगे, प्रोसीजर्स पढ़ेंगे फॉर द इश्यूएंस ऑफ द डिबेंचर. ठीक है, आज पूरा नहीं चैप्टर पढ़ लेंगे, चैप्टर्स थोड़ा सा ही. आई नो कि भाई देखने जाएगा तो चैप्टर बहुत छोटा सा है, मतलब गिन के बात करो तो 10 पेज का चैप्टर्स है, इतना बड़ा चैप्टर्स भी नहीं है. ठीक है, देखते हैं यहाँ पे अभी रेगुलेशंस गवर्निंग द इश्यूज ऑफ डिबेंचर. आराम आराम से जाएंगे, मतलब स्लोली स्लोली जाएंगे. भले अपने को 3 पेज 4 पेज के चैप्टर्स क्यों ना हो, अपन को भले 5 लेक्चर्स बने, अपन 5 लेक्चर्स क्या करेंगे, इस पर इन्वेस्ट करेंगे. मेरा टाइम मैं इन्वेस्ट करने के रेडी हूँ, तो आपको भी अपना टाइम इन्वेस्ट करने के लिए रेडी. देखो इतना अर्ली वीडियोस बनाने का मेन पर्पज यही है कि मैं आराम आराम से क्या कर सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ. वरना अगर मेरे पास, मैं दिवाली के बाद चालू करता तो मैं फटाफट कर देना पढ़ा देता, पर ये मेरा मोटो ही नहीं है बॉस. मेरा मोटो ये नहीं है, मेरा मोटो ये है कि एवरी बच्चे को 12th में नहीं, आगे इन फ्यूचर में डिबेंचर के बारे में कुछ भी आए तो उसको क्लियर होने चाहिए कंसेप्ट. यस, चल रेगुलेशंस गवर्निंग इश्यूज ऑफ डिबेंचर. अ कंपनी इश्यूइंग डिबेंचर हैज टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, कंपनीज शेयर कैपिटल रूल्स 2014 एंड आरबीआई गाइडलाइंस एंड सेबी ऑफ द वेरियस रेगुलेशन. मतलब अगर आपकी कंपनी डिबेंचर देना चाहती है तो आप तो कंपनीज एक्ट को भी फॉलो करना है, आरबीआई की गाइडलाइंस को भी फॉलो करना है, कंपनीज एक्ट के रूल भी फॉलो करना है, और सेबी के भी रूल्स एंड रेगुलेशन आपको क्या करना है बॉस, फॉलो करना है. डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ डिबेंचर कंपनी हैज टू फुलफिल द फॉलोइंग प्रोविजंस एंड रेगुलेशन. देखते हैं अभी आगे बढ़ेंगे. एक्ट रेगुलेशंस एंड गाइडलाइन और उसके प्रोविजंस क्या हो गए, मतलब एक्ट सपोज की फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट बोला 2013 तो वो किसके कौन से सेक्शन में बोला है कंपनीज, बिकॉज कंपनीज एक्ट के अंदर 500 सेक्शन है, तो 500 सेक्शन में से कौन सा सेक्शन में डिबेंचर के बारे में बोला है वो अपने को देखना है. जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 71. अगर देखो एग्जाम में अगर आपको सेक्शंस लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है. मतलब मैं बहुत सारे बात देखा है कि जब भी मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी बच्चे लोग का पेपर चेक करता हूँ तो हार्डली सपोज कि फॉर एग्जाम्पल ओन एन एवरेज बात करो तो 25 से 30 बच्चे लोग पेपर्स में चेक करता हूँ तभी जाके एक बच्चा खाली सेक्शंस लिखता है. तो अगर सपोज कि एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम में भी अगर सपोज कि 25-30 पेपर चेक करने के बाद एग्जामिनर को सेक्शंस दिखता है, मतलब एक इंप्रेशन है बॉस कि मैं इन बच्चों से अलग हूँ थोड़ा. समझ में आ रहा है कि नहीं? यस, तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे. तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन 70 के लिए अंदर आपको कंटेंट ऑफ द प्रोविजन फॉर द इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर लिखा है. कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014 के अंदर, मतलब रूल कौन सा है, रूल 18 कंटेंट वंस अगेन इसके प्रोविजंस के क्या डिबेंचर्स के रूल हो गए. सेबी के अंदर कौन से इश्यूएंस एंड लिस्टिंग ऑफ द सिक्योरिटी रेगुलेशंस के अंदर लिखा है कि कवर्स द प्रोविजन फॉर द इश्यूएंस एंड लिस्टिंग ऑफ द डिबेंचर. मतलब आपको डिबेंचर लिस्ट करना है तो कौन से प्रोविजन प्रोसीजर आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है. डिबेंचर विच आर नॉट कन्वर्टेबल आइदर इनटू होली और पार्टली इनटू इक्विटी शेयर्स, इट इज एप्लीकेबल इफ द डिबेंचर आर इश्यूड थ्रू पब्लिक ऑफर, प्राइवेट प्लेसमेंट एंड फॉर लिस्टेड डिबेंचर. एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनी हैज टू फॉलो द डिस्क्लोज रिक्वायरमेंट एज एप्लीकेबल टू पब्लिक इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स. सेबी के बहुत सारे रेगुलेशन है, आपको सब रेगुलेशन क्या करना है, फॉलो करना है. वो डिपेंड करेगा कि कौन से टाइप की सिक्योरिटी आप दे रहे हो, बिकॉज आपको मालूम है सेकंड चैप्टर्स के अंदर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा था मैंने तुम लोग, उसको 7 स्टार दिया था जो था टाइप्स ऑफ डिबेंचर, सिक्योर्ड अनसिक्योर कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल रजिस्टर्ड बैरर और आई थिंक सो और एक टाइप का डिबेंचर, टोटल ऐसे करके 8 टाइप के डिबेंचर्स थे आपके. ठीक है, तो वो 8 टाइप के डिबेंचर्स मैंने तुम लोग को 7 स्टार दिया था, वो 7 स्टार कर लेना है, वो तो पढ़ना ही है. 8-8 मार्क के लिए पूछा है, संभल जाओ, सुधर जाओ. मतलब सुधर जाओ इन सेंस ऑफ थोड़ा डिसिप्लिन में आके जो मैं बोल रहा हूँ उसको क्या करो आप, हाईलाइट करो कि हीरेन सर अगर बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो
हेल्पफुल होगा, इसलिए बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ। लास्ट 3-4 साल का पेपर लिखना है, वो टाइप्स ऑफ डिबेंचर 8 मार्क के लिए दिखेगा, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस आपको 8-8 मार्क के लिए दिखेगा क्वेश्चन बॉस। तो प्लीज इग्नोर मत मारो, मत मारो, अभी भी मारने गए तो आप मर जाओगे। यस, चलो नेक्स्ट है सेबी लिस्टिंग एंड ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस 2015 प्रोविजन विच आर लिस्टेड कंपनी इश्यूइंग अ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स परपेचुअल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट एटेक्स्ट्रा हैज टू फुलफिल द प्रोविजन रिलेटेड टू द वेरियस लिस्टिंग एंड कंडीशन विच हैज टू कंपनी हैज टू कंप्लाई विद। और आरबीआई की गाइडलाइंस भी एवरीडे आती रहती है, या तो जो भी नोटिफिकेशन आरबीआई का आ रहा है रिगार्डिंग द इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर, वो भी आपको क्या करना है, फुलफिल करना है। अगर आप डिबेंचर किसको दे रहे हो, फिरंगी को, फिरंगी मतलब फॉरेनर को, अगर आप डिबेंचर दे रहे हो, एनआरआई हो गया या तो फॉरेन कंपनी हो गई, तो आपके आरबीआई की गाइडलाइन को भी क्या करना है, मीट करना है। मीन फॉर द बैंक्स विच रेज द कैपिटल बाय इश्यूइंग द नॉन इक्विटी डिबेंच या तो इंस्ट्रूमेंट। अ कंपनी कैन इश्यू सिक्योर्ड एज वेल एज अनसिक्योर्ड डिबेंचर। इट कैन इश्यू नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर एंड डिबेंचर विच कैन बी कन्वर्टेड फुल्ली और पार्टली इनटू द इक्विटी शेयर। ऑल द डिबेंचर आर रिडीम दैट इज हैव टू बी रिपेड। कंपनी कैन इश्यू डिबेंचर टू इट्स मेंबर और मेक अ पब्लिक ऑफर और अफेक्ट इट इवन ऑफर इट इवन थ्रू अ प्राइवेट प्लेसमेंट। कंपनी कैन ऑल्सो लिस्ट इट्स डिबेंचर ऑन स्टॉक एक्सचेंज। कंपनी चाहे तो अपना डिबेंचर कहाँ पे लिस्ट कर सकती है, स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्ट कर सकती है, बट वो कौन सा कंपनी होना चाहिए, आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी और लिस्टेड कंपनी होनी जरूरी है, मतलब पब्लिक कंपनी होनी जरूरी है बॉटम ऑफ द लाइन। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैव अथॉरिटी टू इश्यू डिबेंचर 1 मार्क के लिए ऑब्जेक्टिव। डिबेंचर हो या शेयर्स हो, डिबेंचर हो या तो शेयर्स हो या तो बॉन्ड हो, कोई भी सिक्योरिटी हो, कोई भी सिक्योरिटी हो, देखो सिक्योरिटी में सब वर्ड आ जाते हैं, शेयर्स आ जाता है, डिबेंचर आ जाता है, डिपॉजिट आ जाता है, बॉन्ड आ जाता है, सब ADR GDR वो सब पावर किसको पास दिया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास दिया है ऑब्जेक्टिव्स के लिए। ध्यान रखना बच्चे लोग, ऐसा टाइप का ऑब्जेक्टिव्स एवरी ईयर आता है कि डैश इज द अथॉरिटी टू इश्यू अ शेयर, डैश इज द अथॉरिटी टू इश्यू अ डिबेंचर, किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, खाली डायरेक्टर को भी नहीं। देखो ध्यान से सुनना, अगर वन वर्ड में आता है क्वेश्चन, अगर आप खाली डायरेक्टर लिख के आ जाते हो तो रॉन्ग, बिकॉज खाली डायरेक्टर का मतलब ये होता है कि आपने इंडिविजुअल को पावर दिया है, पर यहाँ पे इंडिविजुअल को पावर नहीं है, यहाँ पे पूरे बोर्ड को पावर है। बोर्ड के पावर मतलब अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 8 जन है तो 8 जन को क्या है, पावर है, इसलिए आगे क्या लिखना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके चलो, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर है टू इश्यू डिबेंचर। However, the board can use their borrowing power only up to the limit permitted by the article of association. Article of association जितना बोला रहेगा उतना ही debentures आप दे सकते हो, मतलब एक limit set किया रहेगा, paid up capital तक दे सकते हो या तो इतना amount तक दे सकते हो, article में जो लिखा रहेगा वो follow करना है। अगर ऊपर जाना है, आगे बढ़ना है, तो आपको article क्या करना पड़ेगा, change करना पड़ेगा, उसके लिए members की approval लेनी पड़ेगी, nothing but owners की approval लेनी पड़ेगी। In case the board wants to increasing its borrowing power, they have to get approval of the shareholder, उसको members भी बोल सकते हो, उसको owner भी बोल सकते हो, in general meeting through a special resolution, आपको special resolution pass करवाना है members से, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, limit increase कर सकते हो, किसकी, debenture की, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे और last इतना खत्म कर देंगे, मतलब कौन सी provisions अपन आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। अपन को पूरा प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट पढ़ना है, पूरा प्रोविजन एज पर द शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल के हिसाब से पढ़ना है, और पूरा प्रोविजन सेबी रेगुलेशन के हिसाब से भी पढ़ना है। ये तीनों क्वेश्चन में से आने की उम्मीद है, बट हाँ इसके अलावा भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोसीजर फॉर द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, तो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये खाली अभी जस्ट डिस्कस कर रहा हूँ, आने वाले सेशन के अंदर अपन इसको पूरा डिस्कस करना है। देखो ये वन बाय वन डिस्कस करना है, कंपनीज एक्ट 2013 यहाँ पे लिखा है, प्रोविजन इश्यू ऑफ डिबेंचर एज पर द कंपनीज एक्ट, बाद में ये पूरा जो पॉइंट अपन ने ऊपर पढ़ेंगे वो पूरा इन लोग ने एक्सप्लेन किया, बाद में प्रोविजन ऑफ द कंपनीज रूल 2014 और बाद में सेबी, ये रहा सेबी का रिक्वायरमेंट एज पर द सेबी, मतलब जो ये टेबल में दिया है ना ये जस्ट बुलेट पॉइंट है, अपने को डिटेल में पढ़ना है, नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, पर अब जस्ट बुलेट अपन पॉइंट क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। प्रोविजन फॉर द इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर एज पर द कंपनीज एक्ट क्या होगा, रूल क्या बोलता है और सेबी के रेगुलेशंस क्या बोलता है। पहला तो कंपनीज एक्ट रूल क्लियरली बोलता है नो वोटिंग राइट, यहाँ पे कोई वोटिंग राइट नहीं है, बिकॉज डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी नॉट ओनर ऑफ द कंपनी।
सेकंड टाइप्स ऑफ डिबेंचर, आपको मालूम है टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स होते हैं बहुत सारे टाइप्स के, 8 टाइप के डिबेंचर अपने सेकंड चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ा है, एक स्पेशल वीडियो उसके लिए बनाया है, तो प्लीज जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक देके रखा है। थर्ड पेमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडेम्पशन, ऑफकोर्स इस पे जो मिलता है इनको इंटरेस्ट बोलेंगे, डिविडेंड नहीं बोलेंगे, बिकॉज इज अ बोरोड कैपिटल नॉट ओन कैपिटल। डिबेंचर सर्टिफिकेट भी आपको देना है विद इन 6 मंथ में देना है, हाईलाइट करके रखो। नो डाउट ये जो भी तुम लोग को बोल रहा हूँ ना वो आगे आगे अपन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। क्रिएटर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, आपको अलग से एक रिजर्व अकाउंट बनाना है कि भाई जब भी डिबेंचर देने की बारी है, वापस रिपेमेंट करने की बारी है, तभी कंपनी पे लोड ना है। कंपनी रिजर्व अकाउंट क्यों बनाती है कि भाई कंपनी थोड़ा पैसा प्रॉफिट का थोड़ा थोड़ा पैसा क्या करेगी उसमें रिजर्व करके रखेगी, भाई जब भी रीपेमेंट की बारी आएगी कंपनी उधर से पैसा डाल के क्या करेगी रीपेमेंट कर देगी, कि एंड मोमेंट पे कंपनी पे बर्डन ना आए कि भाई उसको 5 लाख देना है, उसको 15 लाख देना है। यस, अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी भी अपॉइंट करना है आपको। डिबेंचर ट्रस्टी कैन अप्रोच द एनसीएलटी, इम्पोज द रेस्ट्रिक्शंस एंड पनिशमेंट, अगर आपने कोई भी प्रोविजन फॉलो नहीं किए कंपनीज एक्ट की तो उसके ऊपर पनिशमेंट भी कंपनीज एक्ट ने दिया है। ये 909 पॉइंट आपको क्या करना है अपने डिटेल में पढ़ेंगे, जरा भी टेंशन मत लीजिए। अभी रूल्स के अंदर क्या लिखा है, टेन्योर क्या होगा सिक्योर डिबेंचर का, क्रिएट अ चार्ज ऑन असेट, ऑफकोर्स सिक्योर डिबेंचर है तो उसको असेट देनी पड़ेगी। चार्ज ऑन असेट का मतलब क्या होता है, आपको कोई सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, ये डिफरेंट बिटवीन में भी अपन ने पढ़ा था। अपॉइंटमेंट ऑफ द डिबेंचर ट्रस्टी, ऑफकोर्स ये भी यहाँ पे भी लिखा था डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना है, तो उसकी क्या प्रोविजन होगी इधर भी लिखा होगा, और क्रिएट अ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व ये इधर भी लिखा रहेगा, इधर भी लिखा रहेगा, बट यहाँ पे आपको लिमिट लिखा रहेगा, यहाँ पे लिमिट लिखा रहेगा नहीं। नेक्स्ट आ जाता है सेबी, सेबी के अंदर क्या लिखा है डिबेंचर के बारे में, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होगा, रिटेंशन ऑफ द ओवर सब्सक्रिप्शन, मतलब आपको मालूम है मिनिमम सब्सक्रिप्शन शेयर्स के लिए कितना था, 90% था, अगर आपका 90% शेयर सब्सक्राइब नहीं करती पब्लिक तो आपका IPO फेल हो सकता है, तो डिबेंचर के लिए वो 75 है, कितना है 75 है। टेंशन नहीं लेना है कुछ भी, आगे जाके लेक्चर्स पढ़ेंगे तभी डिटेल में देखेंगे अपन, मीनवाइल याद रखो कितना है 75% है। रिटेंशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, कि आपने शेयर्स में भी देखा था कि अगर ओवर सब्सक्राइब होता था तो आपने देखा था कि 10% तक रख सकते हो, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ लिखा रहेगा, देखेंगे तभी। अंडरराइटिंग मतलब ऑफकोर्स भाई मेरा IPO फेल ना हो इसलिए मैं क्या कर देता हूँ, अंडरराइटर को अपॉइंट कर लेता हूँ कि भाई अगर मेरा सब्सक्रिप्शन में कम हो गया 5%, 10% तो कौन सब्सक्राइब कर लेगा, अंडरराइटर सब्सक्राइब कर लेगा, इसलिए मैं अंडरराइटिंग एग्रीमेंट साइन कर लेता हूँ। और क्रेडिट रेटिंग लेना जरूरी है, ये अपन ने शेयर्स में भी पढ़ा था, यहाँ पे भी पढ़ना है कि आप अगर सपोज कि पब्लिक से पैसा ले रहे हो तो भाई कॉन्फिडेंस तो आना चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज मैं लोन लेने जाता हूँ तो मेरा क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता क्या जाता है, क्रेडिट स्कोर मतलब कितना तू एबल है, कितना तू कैपेबल है पैसे देने के लिए, तो सेम कंपनी को भी क्रेडिट रेटिंग करवाना है, A+ A+ बहुत सारी एजेंसी है उससे क्या करते हैं रेटिंग करवाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अपने को पढ़नी है आगे वाले सेशंस के अंदर, और चैप्टर ऑलमोस्ट एंड हो जाएगा, और एक प्रोसीजर है मतलब कुछ बचा नहीं है चैप्टर्स के अंदर, चैप्टर बहुत ईजी है। नेक्स्ट वाले सेशन चैप्टर्स के अंदर मतलब नेक्स्ट वाले सेशंस के अंदर अपन ये तीनों के प्रोसीजर पढ़ के बाद में लास्ट क्वेश्चन आई थिंक होगा, लास्ट चैप्टर्स होगा, अरे लास्ट सेशंस होगा, उसमें अपन प्रोसीजर पढ़ेंगे और एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। चैप्टर बहुत छोटा सा है, आराम आराम से जाएंगे, कोई टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस के लिए, प्लीज़ टिल टाइम चैनल के लिए अपडेट रहिए, थैंक यू सो मच।